हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सिमरन। टुडे आई विल बी शेयरिंग विथ यू माय कंडीशनर दैट इज़ नॉट सिलिकन बेस्ड। मतलब एक ऐसा कंडीशनर मुझे मिला है जो कि सिलिकन बेस्ड नहीं है। थिंग विथ सिलिकन बेस्ड कंडीशनर इज़ दैट कि देर आर टू टाइप ऑफ सिलिकन। एक होता है वाटर सोल्यूबल एंड एक होता है वाटर इनसोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल आर लाइक गुड सिलिकन्स। जैसे आपने कंडीशनर लगाया, आपके कंडीशनर में वाटर सोल्यूबल सिलिकन है, तो आपने फिर पानी डाला तो वो सिलिकन वॉश ऑफ हो गया। एंड देन देर इज़ वाटर इनसोल्यूबल सिलिकन। उसमें यह होता है कि आपने कंडिशनर लगाया, आपके कंडिशनर में वाटर इनसोल्यूबल सिलिकन है एंड आपने पानी डाला सर पे, बट वो सिलिकन गया नहीं बिकॉज वो वाटर से आसानी से नहीं जाएगा। उसको जाने के लिए आपको सल्फेट बेस शैम्पू यूज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए वो सिलिकन क्या करता है, हमारे जो बाले हैं बालों में वो स्टिक हो जाता है एंड इट इवेंचुअली इट वे डाउन योर हेयर। एंड देन फिर कभी कभार आपको हेयर फॉल वगैरह की भी कभी कभार जो प्रॉब्लम्स होती है वो इस वजह से भी हो जाती है कि वो जो हम सिलिकन यूज़ कर रहे हैं अपने कंडीशनर में वो दैट इज़ नॉट वाटर सोल्यूबल। सो आई वॉज लाइक डेस्परेटली सर्चिंग फॉर अ कंडिशनर दैट इज़ नॉट अ सिलिकन बेस्ड कंडिशनर एंड आई जस्ट गॉट दिस कंडिशनर फ्रॉम ट्रू फ्रॉक। And the thing that I loved about this conditioner is that it has many many good emollients in it. Like जो इसका silicon और जो इसका feel आता है silky smooth और जो fine feel आता है वो emollient की वजह से आता है। That is the thing that I love about this conditioner. Of this conditioner, first of all, इस conditioner में बहुत सारे emollients हैं जो कि बालों को बहुत ही soft and smooth and silky feel देते हैं, जो कि normally silicon based conditioner देते हैं। So this is a good thing about this conditioner. And then it has quaternium 91 जो बालों को डिटैंगल करने में हेल्प करता है। एंड देन इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमारे बालों को हाइड्रेट एंड कंडीशन करती हैं। देन उसमें है एवोकाडो बटर जो कि बालों को सिल्की करता है। उसके बाद है कोकोनट वाटर इसके अंदर जो कि बालों को हाइड्रेट करता है। एंड देन इसके अंदर है एलोवेरा, इसके अंदर पैंथेनॉल है जो कि अगेन बालों के हाइड्रेशन के लिए हेल्पफुल है। एंड इसके अंदर क्यूना प्रोटीन है जो कि बालों को रिपेयर करने में हेल्प करता है एंड जिनके कलर्ड हेयर्स हैं उस कलर को भी प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। बट आई थिंक किसी भी कंडीशनर में लाइक ये सब रिपेयरिंग प्रॉपर्टीज़ होना अच्छी बात है, बट इट डजेंट मीन दैट इट इज़ गोइंग टू रिपेयर योर हेयर बिकॉज कंडीशनर हम हार्डली एक मिनट के लिए अपने सर पे रखते हैं। सो डू नॉट एक्सपेक्ट एनी रिपेयरिंग प्रॉपर्टी, जस्ट एक्सपेक्ट अ गुड लेवल ऑफ हाइड्रेशन एंड मॉइस्चराइजेशन फ्रॉम दिस कंडीशनर। जस्ट एक्सपेक्ट दैट दिस इज़ गोइंग टू वर्क द सेम वे एज योर अदर सिलिकन बेस्ड कंडीशनर्स आर वर्किंग एंड इट हैज़ सम रियली गुड इंग्रेडिएंट्स। लाइक देन इट हैज़ वाइट लोटस फ्लावर एक्सट्रैक्ट जिसके अंदर बहुत एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, विटामिन ए में रिच होता है। तो इट इज़ ओवरऑल गुड फॉर द गुड हेल्थ ऑफ योर हेयर। So yeah, now coming to the feel, it feels very creamy and it feels good. Like I'm satisfied with the result of this conditioner. If you have any recommendation regarding non-silicon based conditioner in the market, then please let me know in the comment section below. And yeah, that's it. I hope you like this video, enjoy my channel and don't forget to click like and subscribe to watch more such videos. Okay, bye.